फ्राइंग पैन में मैं 1 टेबल स्पून ऑयल डालकर उसमें बारीक कटे हुए लहसुन को डाल लूँगी। मैंने 4 से 5 लहसुन की कली को बहुत ही बारीक काट लिया है। उसके बाद मैं बारीक काट कर जिंजर को डाल लूँगी। मैंने 1 इंच जिंजर को बारीक काट कर इसमें डाला है। उसे अच्छे से फ्राई कर लें। अच्छे से फ्राई होने के बाद मैं इसमें एक मीडियम साइज के प्याज को बहुत ही बारीक चॉप करके इसमें डाल लूँगी। बहुत ही बारीक आपको काटना है। उसके बाद मैं इसमें 2 हरी मिर्ची को भी बारीक काट कर डाल लूँगी। इसे अब अच्छे से फ्राई कर लें। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रोसेस पे। तो अब मैं एक 1 टेबल स्पून सोया सॉस डाल रही हूँ और 1 टेबल स्पून विनेगर डाल रही हूँ। उसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून टमाटो केचप डाला है। इसे अच्छे से मिला लें। अच्छे से मिलाने के बाद मैंने 1 कप सेज़वान सॉस लिया है। आपको अगर सेज़वान की सॉस की रेसिपी जानना है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। मैंने सेज़वान सॉस की अभी रेसिपी इसलिए नहीं बताई क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता वीडियो। उसके बाद जो हमारा मैरिनेशन का जो लिक्विड बच गया था जब मैंने चिकन फ्राई कर लिया, तो अब वो मैरिनेशन का लिक्विड मैं इसमें डाल लूँगी। मैंने करीब करीब 2 टेबल स्पून मैरिनेशन का वो लिक्विड डाल लिया है इसमें। अब इसे भी अच्छे से पका लें। 2 मिनट के पकने के बाद हम इसमें चिकन के पीसेस ऐड कर लेंगे। तो अब इस ग्रेवी को हम इस चिकन में बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो जब भी इवनिंग में आपको कुछ भी खाने का मन करे तो आप ज़रूर इसे ट्राई करिएगा। तो अब मैंने थोड़ा सा कोरिएंडर स्प्रिंकल कर लिया है। तो ये बिल्कुल पक कर तैयार है हमारा सेज़वान चिकन। तो आप देख पा रहे हैं एक टेस्ट में थोड़ा सा तीखा, खट्टा और मीठा इसका फ्लेवर आता है। तो बनकर बिल्कुल तैयार है हमारी सेज़वान चिकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।